हेलो स्टूडेंट, मैं निर्भय एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम लोग फिजिक्स के एक नया चैप्टर हीट मतलब उष्मा को पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपके एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन हमेशा ही बनता है और बहुत ईजी क्वेश्चन बनता है, जिसको आप बहुत जल्द ही और कम समय में बना के निकल सकते हैं। अगर आप इस चैप्टर से क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर काम कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग इस हीट चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको आप लास्ट तक देखें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फटाफट से अपने दोस्तों में सारे लिंक्स को शेयर कर दे, व्हाट्सएप फेसबुक जहां भी आप जुड़े हुए हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप है तो सबको बताएं कि यहां पे आपका बिहार पॉलिटेक्निक का आपका पढ़ाई चल रहा है, आप जाके पढ़ो। आप अपने भी पढ़े, अपने दोस्तों को भी बताएं। आप जितना शेयर करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए देर ना करते हुए कंटेंट को शुरू करते हैं। हीट चैप्टर, हीट क्या है? उष्मा एक प्रकार है। ये एक एनर्जी का, ऊर्जा का एक प्रकार है। यहाँ पे उष्मा काट के आप ऊर्जा लगा लेंगे, ऊर्जा का। इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। हीट एक टाइप का एनर्जी है जिसके द्वारा गर्म या ठंडा का एहसास होता है। देखिए, हीट एक एनर्जी है। एनर्जी किसको बोलते हैं? वो एनर्जी होता है जिसमें कुछ, एनर्जी का मतलब क्या होता है आपको बताए थे ना, जिसमें कुछ करने की क्षमता हो, कैपेसिटी हो। तो हीट क्या है? एक एनर्जी है जो कुछ काम कर सकता है। कहीं पे भी अगर हीट है, देखिए जैसे आपके घर में जब आप स्टोव जलाते हैं तो आपके घर उसमें कुकर में पानी बॉयल होता है, हीट होता है, तो उसमें एक शक्ति होता है कि वो खाना को पका सकता है। या फिर आपको जब आप पढ़े होंगे कि पहले जमाने में स्टीम इंजन होता था, भाप सिस्टम, तो उसमें क्या होता था, हीट बनता था और हीट से गाड़ी चलती थी। हीट में वो एनर्जी है कि वो किसी चीज को चला सकता है, दौड़ा सकता है या कोई काम कर सकता है। ठीक है, तो हीट आप समझ गए। हीट के वजह से किसी वस्तु का, कोई वस्तु ठंडा है या गर्म है, इस बात का एहसास होता है। ठीक है, यहां तक ठीक है। बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, कहने को तो बहुत कुछ, समझाने को बहुत कुछ है इसमें, लेकिन हम लोग टू द पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। कोई भी फालतू बातें नहीं करेंगे और हम लोग सिर्फ पढ़ाई करेंगे। अब देखिए, हीट फ्लो कैसे करता है? हीट तो हो गया कि एनर्जी है, तो ये चलता कैसे है? हीट का फ्लो जो होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। कैसे होता है? लो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, मतलब उच्च ताप से निम्न ताप की ओर हीट का फ्लो होता है। इसका यूनिट क्या होता है? जूल होता है। उच्च ताप मतलब देखिए, यहाँ पे 20 डिग्री का ये वस्तु है, ये 10 डिग्री का वस्तु है, तो इसमें से इसमें हीट फ्लो होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें से इसमें इसका हीट इसमें जाएगा। और कब तक जाएगा? ये तब तक जाता है कि जब तक दोनों ऑब्जेक्ट का हीट बराबर ना हो जाए, मतलब कि टेम्परेचर बराबर नहीं, ये 15 और ये 15 हो जाएगा तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो हीट का फ्लो रुक जाएगा। तो हीट का फ्लो तभी होता है जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले आप टेम्परेचर समझेंगे। अच्छा, एक दो बातें और हीट में है, समझ लें। हीट का जो एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है। क्यों? क्योंकि हम शुरू में ही बोल चुके हैं हीट एक एनर्जी है और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। यह एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है, आप ध्यान में रखेंगे। हीट स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके चलने का कोई, देखिए हम बताएं कि हाई लो मतलब कि क्या बोलते हैं, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाता है, तो आप ये यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, सर इसका तो डायरेक्शन है चलने का, नहीं। बट वेक्टर होने के लिए, मतलब कि कोई भी राशि को सदिश होने के लिए सिर्फ डायरेक्शन ही जरूरी नहीं है। डायरेक्शन और क्वांटिटी के साथ अगर आप आगे क्लास में जाएंगे तो एक वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है, वो भी जरूरी होता है। तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को नहीं फॉलो करता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एक स्केलर क्वांटिटी है। आपसे ये डायरेक्शन, जो एक और यूनिट होता है हीट का, कैलोरी। जूल के अलावा एक कैलोरी यूनिट होता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। कभी कभी आपसे ये रिलेशन पूछ लेता है कि एक जूल में कितना कैलोरी होता है, तो 0.24 कैलोरी होता है एक जूल में। और कभी कभी ये पूछ लेता है कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, तो 1 कैलोरी में 4.186 जूल होता है, या 4.2 जूल उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये ज्यादा पूछा जाता है, दूसरा वाला आपसे ज्यादा पूछा जाता है, आप इस वैल्यू को रट लेंगे। चलिए नेक्स्ट आप पढ़ेंगे इसमें, तो हम बताए थे कि कहीं पे भी हीट फ्लो होता है तो टेम्परेचर डिफरेंस के, तापमान में जब अंतर होता है, तापमान में जब अंतर होता है तभी वहां पे हीट फ्लो होता है। तो बताए थे टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इसके हेल्प से, टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर के बारे में बता रहे हैं, तापमान के हेल्प से हीटनेस और कूलनेस का पता चलता है। जब किसी वस्तु को आप छूते हैं तो आप कभी किसी चीज को छूते हैं तो आप बोलते हैं कि ये गर्म है या ठंडा है। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं वर्ड होना चाहिए, ये कंपेयरिंग वर्ड है। जैसे कभी कभी आप देखते हैं कि आप किसी दोस्त को अपने छूते हैं तो वो बोलता है आपकी बॉडी हीट है, आपका बॉडी गर्म है। तो
उसके वो क्यों आपका बॉडी गर्म क्यों बोलता है वो, क्योंकि आपके बॉडी के रिस्पेक्ट में उसका बॉडी क्या होता है, ठंडा होता है, इसलिए आप क्या बोलते हैं वो गर्म है। ठीक है, तो ये कंपेयर जिस जहां पे भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा, टेम्परेचर में अंतर आएगा, मान लीजिए ये 5 पे है ये 10 पे है, तो जब ये इसको छुएगा तो इसको ठंडा महसूस होगा, ये इसको लगेगा कि ये इसका बॉडी ठंडा है, और जब ये इसको छुएगा तो इसको लगेगा कि इसका बॉडी गर्म है। तो जब भी अगर ये दस और ये 10 पे है, जब दोनों एक दूसरे को छुएंगे तो नहीं पता चलेगा कि कौन ठंडा या कौन गर्म है, लगेगा दोनों की सेम टेम्परेचर है। तो वहां पे ऐसा कहेंगे कि ऐसा कोई नहीं बोलता है कि ये ठंडा या गर्म है। तो जहां पे भी ताप में अंतर होता है वहीं पे ठंडा गर्म की बात होता है। ठीक है, तो हीट क्या है, जिससे किसी वस्तु का ठंडा होना या गर्म होने का पता चलता है। ठीक है, उस और क्या है, ऊष्मा का प्रवाह ताप अंतर की वजह से होता है। बताए हैं आपको कि ऊष्मा मतलब हीट का, जो हीट को चलने का मेन कारक क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। कोई पूछेगा कि हीट का फ्लो क्यों होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है। तो टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट केल्विन होता है। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बहुत सारा एक डिवाइस यूज किया जाता है, जिसका क्या नाम है, सब बच्चे जानते हैं, बच्चा थर्मोमीटर। क्यों, क्योंकि सबको बुखार तो लगा ही है, सब लोग गए हैं डॉक्टर के पास, सबको थर्मोमीटर से उसका टेम्परेचर, तो डॉक्टर क्या मापता है, आपके शरीर का तापमान मापता है, आपके टेम्परेचर मापता है कि शरीर का टेम्परेचर कितना है। अब आप सभी बच्चों से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि एक मतलब कि स्वस्थ मनुष्य को, ह्यूमन को, एक जो फिट ह्यूमन है उसका बॉडी का टेम्परेचर कितना डिग्री फॉरेनहाइट होना चाहिए तो वो स्वस्थ माना जाता है, कितना से ज्यादा होता है तो वो स्वस्थ नहीं माना जाता है। सब बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो इसको थर्मामीटर से मापा जाता है। अब थर्मामीटर जो होता है दो तीन तरह का होता है, एक जो होता है थर्मामीटर वो है मरकरी थर्मामीटर या अल्कोहल, उस एक जो लिक्विड थर्मामीटर होता है, जैसे ये थर्मामीटर है ना, इसके अंदर में लिक्विड भरा रहता है तो इसको क्या बोलेंगे, लिक्विड थर्मामीटर। और एक थर्मामीटर होता है जिसके अंदर गैस भरा होता है, उसको क्या बोलेंगे, गैस थर्मामीटर। तो जो लिक्विड थर्मामीटर होता है वो तीन प्रकार का होता है, किसी में मरकरी भरा होता है, किसी में पारा, किसी में अल्कोहल। तो जो मरकरी थर्मामीटर है आपका, सिर्फ इससे रेंज पूछा जाएगा, उसका रेंज कितना होता है, -39 से 350, मतलब इतना के रेंज में कोई वस्तु के पास टेम्परेचर होगा तो उसको मेजर कर सकता है ये थर्मोमीटर, मरकरी थर्मोमीटर, अदरवाइज नहीं मेजर कर सकता है। इसका रेंज कितना होता है अल्कोहल थर्मोमीटर का, -115 से -350, और गैस थर्मोमीटर का रेंज कितना होता है, -200 से 500 डिग्री। ठीक है, एक जो ये थर्मोमीटर है जो आपसे हमेशा पूछा जाता है कि पाइरोमीटर, एक होता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए पाइरोमीटर, क्या होता है पाइरोमीटर, टेम्परेचर मेजर करने के लिए पाइरोमीटर होता है। तो उच्च ताप मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, पाइरोमीटर बोलते हैं। ठीक है, इसका रेंज कितना होता है, 800 से एबव, मतलब मिनिमम टेम्परेचर ये क्या मापेगा, 800 डिग्री, और मैक्सिमम कितना मापेगा, कितना भी दे दो। तो आपके क्वेश्चन यहां से बनता है कि हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज करते हैं, तो पाइरोमीटर। ठीक है, इंग्लिश में भी पाइरोमीटर, हिंदी में भी पाइरोमीटर। अब ये स्केल, अब चलिए हम स्केल के बारे में, आप देखिए क्वेश्चन में आता है, देखिए आपका क्वेश्चन मेन यहीं से बनता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से मेन पूछा जाता है, तो इस सेक्शन को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, मैं जो समझाऊंगा आप अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है, कभी कभी आपको दे देता है 20 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करो, फारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करो, केल्विन को रोमर में कन्वर्ट करो। तो पूरी दुनिया में जो है ना, ये कितने तरह के स्केल है, पूरी दुनिया में 4 तरह के स्केल बनाए गए हैं, मतलब अलग अलग जगह के लोगों का अलग अलग अपना अपना स्केल है। क्या क्या स्केल बनाया गया है, देखिए मैं बता रहा हूँ, 4 स्केल है ये, देखिए पहला जो है सेल्सियस स्केल है, पहला क्या है सेल्सियस स्केल, दूसरा क्या है फॉरेनहाइट स्केल, तीसरा क्या है केल्विन स्केल, चौथा क्या है रोमर स्केल। अब इसमें सबसे ज्यादा पूछता क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या होता है, हिमांक बिंदु और गलनांक बिंदु। हिमांक बिंदु मतलब इंग्लिश में उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, और गलनांक बिंदु को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको पता ही है जिस टेम्परेचर पे कोई ऑब्जेक्ट मेल्ट करने लगता है उसको मेल्टिंग पॉइंट, और जिस पे बॉइल करने लगता है, या इसका जो अच्छा सा डिफिनेशन जो होता है कि किसी जब किसी मैटर का टेम्परेचर एटमोस्फेयर के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। खैर छोड़िए, उन सब चीजों से हम लोगों को नहीं लेना देना। सेल्सियस जो स्केल है उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री होता है, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री होता है, ये आपसे पूछा जाता है। जो फॉरेनहाइट स्केल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, मतलब कि 32, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 212। इसका मेल्टिंग पॉइंट केल्विन का 273 और बॉइलिंग 373। और नेक्स्ट क्या है रोमर, रोमर का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट 0 होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 80 होता है।
कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि ये जो सेल्सियस स्केल है इसमें कितने लाइन्स होते हैं, तो देखिए यहाँ पे जीरो यहाँ पे सौ है, तो इन दोनों के बीच में कितना लाइन होगा, सौ। इन दोनों के बीच में कितना, देखिए जब यहाँ पे 32 और यहाँ पे क्या होता है 212, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो इसमें 180 लाइन होता है, ठीक। इसमें कितना होता है, 100 लाइन होता है, इसमें कितना होता है, 80 लाइन होता है, क्लियर है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं सेल्सियस को फॉरेनहाइट में, फॉरेनहाइट को सेल्सियस में, कुछ नहीं करना है। देखिए मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक क्या है, मतलब सब लोग जानते होंगे इसको। देखिए मान लीजिए ये दो स्केल दिया गया है, ये सेल्सियस स्केल है, ये फॉरेनहाइट स्केल है, ठीक है। अब दे दिया 5 डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए इसका आपका मतलब हिमांक बिंदु मतलब कितना होता है, जीरो, ये पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। और इसका कितना होता है, ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100। इसका कितना होता है, 32 होता है हिमांक, और गलनांक कितना होता है, 212। किसी स्केल से किसी स्केल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, देखिए आपको सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे सी लिख लेंगे, यहाँ पे एफ लिख लेंगे, यहाँ पे बीच में इक्वल दे देंगे, यहाँ पे एफ लिख देंगे, रुक जाइए, क्या करेंगे, सी यहाँ पे एफ बीच में इक्वल, ठीक है। सी में से जो सी का हिमांक बिंदु, सी का हिमांक बिंदु यहाँ पे लिख देंगे जीरो, माइनस सी का क्या होगा गलनांक बिंदु कितना होता है सेल्सियस में, 100, और माइनस हिमांक बिंदु कितना होता है, जीरो, और फॉरेनहाइट में क्या होता है, 212, और इसका ये क्या होता है, 32, और यहाँ पे भी इसका हिमांक बिंदु कितना होता है, 32। कहने का मतलब ट्रिक ये बना कि देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, आप अच्छा से देखें, सी माइनस हिमांक डिवाइडेड बाई गलनांक माइनस हिमांक, किसका गलनांक बाई हिमांक, सी का, वैसे इक्वल्स टू एफ माइनस हिमांक, किसका हिमांक, एफ का हिमांक डिवाइडेड बाई गलनांक माइनस हिमांक। फिर से मैं इंग्लिश में समझा दूं, इंग्लिश में लिख भी दिया हूँ क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे परेशान हो जाएंगे, सर इंग्लिश में नहीं बताते हैं आप, जबकि मैं हर चीज को कोशिश करता हूँ कि मैं इंग्लिश में बता दूं। देखिए सी मतलब सेल्सियस माइनस मेल्टिंग पॉइंट डिवाइडेड बाई मेल्टिंग पॉइंट माइनस बॉइलिंग पॉइंट, किसका, ये सी वाले का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, एफ माइनस मेल्टिंग पॉइंट डिवाइडेड बाई मेल्टिंग पॉइंट माइनस बॉइलिंग पॉइंट, सबको याद रखेगा। देखिए सी का वैल्यू कितना, सी तो दिया हुआ होगा आपको, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, तो सी का अगर 5 दिया था, 5 आप रख लेंगे, यहाँ पे मैं अभी सी रखा हूँ, तो सी माइनस मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, जीरो, इसका बॉइलिंग कितना होता है, 100, और इसका मेल्टिंग जीरो, यहाँ पे 32 माइनस 212 माइनस 32, इसका मेल्टिंग कितना होता है 212, और बॉइलिंग कितना होता है, सॉरी बॉइलिंग 212 और मेल्टिंग 32, तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा, सी माइनस सी बाई 100 इक्वल्स टू एफ माइनस 32 बाई 180, जीरो से जीरो कैंसिल, और 5 9 5 2 9 5 और सॉरी 2 9 18 और 5 10 10 5 2 10, तो ये कितना हो जाएगा, सी बाई 5 इक्वल्स टू एफ माइनस 32 बाई 9, यही आप याद करेंगे, ये सी को इधर लेके चल जाएंगे, तो सी इक्वल्स टू 9 बाई 5 एफ माइनस 32, तो इसको आप रटते हैं, आपको समझ में आएगा कि अब आपको रटना नहीं है, किसी स्केल से किसी में जाना है, ऐसे याद कर लेंगे तो आपका समय बचेगा आपके एग्जाम में, नहीं तो आप अगर भूल गए तो आप ऐसे निकाल लेंगे, पहले जिससे जिसमें जाना है, मैं इस पे क्वेश्चन जब करूंगा तो मैं आपको और अच्छा से समझा दूंगा, पहले जिससे जिसमें जाना है उसको लिख लेंगे, सी इक्वल्स टू एफ पहले इसका हिमांक डिवाइडेड बाई गलनांक माइनस हिमांक, और फिर इसका माइनस हिमांक, ऊपर में हिमांक घटा रहे हैं, नीचे में गलनांक में से हिमांक घटा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में से मेल्टिंग पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नीचे में। नेक्स्ट सी और के में रिलेशन निकालना है, सी और एफ में रिलेशन निकाल लिया, सी और के में, तो C माइनस जीरो क्योंकि इसका मेल्टिंग जीरो होता है, बॉइलिंग 100 माइनस मेल्टिंग जीरो, K का मेल्टिंग कितना होता है, 273 माइनस 273, 100 से 100 कैंसिल, C इक्वल्स टू K माइनस 32, और K इक्वल्स टू C प्लस, ये इधर आ जाएगा तो C प्लस 273, आपको यही आपको बताया था कि जब सेल्सियस में देता है तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। अब किसी स्केल से किसी स्केल में जाना हो तो ये रिलेशन मैं लिख दिया हूँ, आप यहाँ से चले जाएंगे। अब उष्मा का संचरण हीट जो होता है वो ट्रांसफर कितने तरीका से होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हीट ट्रांसफर होता है ना, जैसे इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, जब आप सब कभी चाय पीते हैं उसमें मेटल के किसी मतलब स्टील के चाय कप में, तो आपका हाथ जलने लगता है, तो फिर आपके घर में आपके पापा आपको वो चीनी मिट्टी वाला या चाइनीज वो कोई दूसरे टाइप का बर्तन लेके आते हैं ताकि उससे हाथ ना जले, तो वो क्यों होता है, क्योंकि हीट ट्रांसफर होता है, आपके चाय का हीट जो आपके हाथ में ट्रांसफर होता है इसलिए आपका हाथ जलने लगता है, या फिर आप ठंडा का दिन में बर्फ पे चलते हैं तो आप मतलब ठंडा के दिन में फर्श पे चलते हैं तो आपका पैर में बहुत ठंडा लगता है, आप सहन नहीं कर पाते हैं, वो भी क्यों होता है, क्योंकि जो जमीन का हीट है आपके बॉडी में ट्रांसफर होता है,
तो यही अब पढ़ना है हम लोग कि हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। तो किसी भी चीज में हीट का ट्रांसफर तीन तरीका से होता है, पूरे दुनिया में हीट का ट्रांसफर तीन तरीका से होता है, सब लोग पढ़े भी होंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। हिंदी में बोले तो चालन संवहन और विकिरण। देखिए जो चालन होता है ना, चालन का क्रिया में क्या होता है, देखिए मान लीजिए चालन में क्या, कंडक्शन मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको इजीली से बात समझा रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में, पहले आप समझ जाएंगे, तीनों में अंतर समझ लेंगे। देखिए ये एक लड़का है, ध्यान से सुनेंगे, ये एक लड़का है ठीक है मेरा फिगर थोड़ा अच्छा नहीं है, तीन लड़के हैं, यहां से कोई लड्डू है, इसको पास करना, इस बच्चा के पास ले जाना है। अब ये बच्चा कैसे लड्डू ले जा सकता है, देखिए ये क्या करेगा, ये अपना हाथ बढ़ा के इसके हाथ में दे सकता है, ये अपना हाथ बढ़ा के इस हाथ में दे सकता है, ये एक तरीका है। या ये बच्चा यहाँ से चलते 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 यहाँ आके दे सकता है, फिर ये बच्चा इसको चलते चलते आके इसको यहाँ पे दे सकता है, या एक और तरीका होता है, ये डायरेक्ट यहाँ पे फेंक सकता है, ठीक है। यही तो है आपका कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ये बच्चा जब अपने जगह से छोड़ा नहीं, यहीं से अपने हाथ बढ़ा के इसको पार कर दिया लड्डू, तो इसको बोलते हैं कंडक्शन। मतलब मीडियम का पार्टिकल, माध्यम का जो कण है वो अपने जगह को नहीं छोड़ता है, लेकिन चीजों को पास करते रहता है। हीट यहाँ से आया लेकिन ये यहीं पे रहेगा पार्टिकल अपने वाइब्रेट करके, मतलब कि जब जगह को नहीं छोड़ता है और बिना जगह को छोड़े हुए हीट को पास करता है उसको कंडक्शन मतलब चालन बोलते हैं। ये जगह को छोड़ के जाता है और हीट को पास करता है, ये इसको आया लड्डू लेके दिया, ये इसको लड्डू देके दिया, तो यहाँ पे लड्डू आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं संवहन। और यहीं से ये डायरेक्ट लड्डू इसके पास फेंक दिया, इसको क्या बोलते हैं रेडिएशन। इसमें बीच में कोई नहीं आया, कोई माध्यम नहीं आया, कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास डायरेक्ट लड्डू चल गया, तो इसको क्या बोलते हैं रेडिएशन मतलब कि विकिरण। चलिए अब समझते हैं, इस विधि में पदार्थ, देखिए क्या लिखा है कि इस विधि में पदार्थ अपना स्थान नहीं छोड़ता है, पार्टिकल्स नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजीशन, ठीक है। ये पार्टिकल जो था कैसे होता है इसमें मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये मान लीजिए ये कोई आपका केतली है आपका कप था, इसके कप में बहुत सारे ऐसे ऐसे पार्टिकल होंगे, कप के अंदर आपका हाथ यहाँ पे था, ठीक है। क्या हुआ, जब आपका ये चाय गर्म हुआ तो ये हीट इसको पार्ट किया, ये चाय केतली से इसको हिटाया, ये पार्टिकल क्या करता है, ये पार्टिकल वाइब्रेट करता है, अपने जगह से छोड़ता नहीं, बस यहाँ पे जाता है फिर यहाँ पे आ जाता है, जाता है जाके इसको धक्का मारता है, हीट पास करके आ जाता है अपने जगह पे, जाता है फिर इसको भी हीट पास करके अपने जगह पे आ जाता है, फिर ये भी वाइब्रेट करता है, इसको हीट पास करके अपने जगह पे आ जाता है, फिर ये इसको हीट पास करके, फिर इसको इसे, तो ये क्या होता है कि पार्टिकल अपने जगह से चलता नहीं है लेकिन अपने जगह पे वाइब्रेट करता है, ऐसे विधि को क्या बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है। समझ में आया कि पार्टिकल अपना जगह नहीं छोड़ता है। इसमें क्या होता है कन्वेक्शन में क्या होता है, पार्टिकल यहाँ से वो हो गया, यहाँ पे क्या होता है, कब देखा, कैसे देखें, ऐसा कन्वेक्शन में पार्टिकल उठ के जाता है आपका, देखें जब आपके घर में, जब आप कभी अभी आज जाके देखिएगा कि अगर आपके घर में किसी चीज में पानी गर्म हो रहा होगा तो देखिएगा कि ये पानी जो नीचे वाला पानी बुलबुला बन के ऊपर जाता है, क्यों जाता है, क्योंकि जैसे ये हीट होता है, हीट होते ही इसका क्या होता है, इसका हीट होते ही इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका जैसे ही ये हीट होता है इसका डेंसिटी कम होता है, घनत्व कम होता है और ये ऊपर जाने लगता है, और जो ज्यादा घनत्व वाला क्या है वो नीचे आने लगता है। तो ऐसे क्या होता है, पानी गर्म, नीचे वाला पानी क्या होता है, जो गर्म होते गया ऊपर जाते गया, जो ठंडा है वो नीचे आते गया, फिर इसको हीट मिला, फिर गर्म होकर ऊपर चला गया। तो इसमें क्या देख रहे हैं, पार्टिकल ही मूव कर रहा है, इसमें पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा था, इसमें पार्टिकल मूव कर रहा है। और सन से जब आपके पास लाइट आता है तो डायरेक्ट आता है, क्यों, क्योंकि वहां पे कोई मीडियम नहीं होता, आपको पता है ना कि स्पेस में क्या है कि कोई मीडियम नहीं है, तो वहां से डायरेक्ट हीट आपके पास आता है। तो इसको चलिए पढ़ लेते हैं, इसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है और इसमें मीडियम का पार्टिकल, माध्यम का जरूरत होता है, लेकिन माध्यम का कण सिर्फ वाइब्रेट करता है, चलता नहीं है, इसमें माध्यम का कण चलता है और इसमें माध्यम की जरूरत ही नहीं होती है, यही तीनों लिखा गया है। इसका एग्जाम्पल क्या है, यह धातु के कप में चाय जब आप पीते हैं तो आपको गर्म महसूस होता है, इसमें क्या होता है, पर ये कंडक्शन पे डिपेंड करता है। और इसमें क्या होता है, देखिए कंडक्शन में आप देखे हैं, आपको ये कन्वेक्शन का मैं मतलब कि संवहन का मैं कुछ आपको घटना बताता हूँ। अगर आपके घर में एसी है तो आप देखिएगा एसी को, जो एसी लगाने वाला आता है वो ऊपर ही फिट करके जाता है, मतलब कि जो ये दीवाल है, दीवाल के इस पोर्शन में फिट करके जाता है। क्यों ऐसा करता है, इसलिए करता है कि इधर रूम में जितना भी गर्म हवा होगा वो क्या करेगा, डेंसिटी का कम, घनत्व कम होगा गर्म हवा का, और गर्म हवा यहाँ पे जाएगा, तो अगर आप एसी यहाँ पे लगा दोगे तो गर्म हवा वहां पे जाके बैठा रहेगा, आपको गर्मी लगते रहेगा, तो ये गर्म हवा यहाँ पे जाता है और एसी इसको खींच के घर से बाहर कर देता है, ठीक है। आपके घर में रेफ्रिजरेटर, अगर फ्रिज है
तो भी आप देख सकते हैं कि फ्रिज में भी जो वो कूलेंट जो होता है मतलब ठंडा करने वाला होता है वो ऊपर ही लगाया रहता है, इसलिए क्योंकि गर्म हवा ऊपर जाता है चल के और फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये क्या है, संवहन का विधि है। और जो पृथ्वी गर्म होती है या आपका जूता जो पॉलिश किया होता है, जो आपका जूता पॉलिश रहता है उसमें कम गर्मी लगता है क्योंकि रेडिएशन वहां पे होता है। तो देखिए मैं एक बार फिर से सब कुछ पढ़ देता हूँ। ये जो होता है तीनों माध्यम में होता है, ये सिर्फ लिक्विड और गैस में होता है, ये क्या होता है किसी माध्यम की जरूरत नहीं होता है, और इसमें पार्टिकल मूव नहीं करता, इसमें पार्टिकल मूव करता है और इसमें भी पार्टिकल मूव करता है, इसमें मतलब कोई मीडियम ही नहीं होता, पार्टिकल तो है ही नहीं। क्लियर है, कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन आप पढ़ लिए। अब एक होता है रेखीय गुणांक, मतलब कि उष्मा का प्रसार। उष्मा जो होता है हीट, तीन मतलब पूरा दुनिया में तीन तरह के ऑब्जेक्ट है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो सॉलिड में हीट कैसे फ्लो करता है, देखिए पहले तो ये समझिए कि सॉलिड तीन तरह का होता है। ये ऐसे लाइनिंग होता है, एक लाइन होता है, एक एरिया होता है और एक वॉल्यूम होता है। मतलब कि ऐसे एक लाइन टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, एक एरिया टाइप का ऑब्जेक्ट होता है ऐसे, और एक वॉल्यूम टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आप एक ले लेंगे छड़ी, एक मतलब आयरन का छड़ी, ये आप ले लेंगे कोई थाली, और ये क्या हो गया, ये आप मान लो कोई बॉक्स है, आयरन ब्लॉक है, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर इसमें हीट देंगे तो इसका लंबाई बढ़ेगा, इसमें हीट देंगे तो लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ेगा, और इसमें हीट देंगे तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बढ़ेगा। तो इस वृद्धि को क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सपेंशन। सिर्फ लंबाई बढ़ेगा उसको लीनियर एक्सपेंशन या रेखीय गुणांक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल, जब लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ता है हीट देने पे, तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन, या उसको क्षेत्रीय प्रसार। और इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक, मतलब आयतन में वृद्धि। इसमें आपका लिखा हुआ है यही कि किस में लंबाई बढ़ता है, किस में चौड़ाई बनता है, किस में तीनों बढ़ता है, ठीक है। अब इन तीनों में एक रिलेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं, लंबाई जो बढ़ता है उसको अल्फा बोलते हैं, जिसमें एरिया बढ़ता है उसको बीटा बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, गामा, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा से इसको शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं। ये वन, ये टू यहाँ पे होना चाहिए, आप अपने कॉपी में टू कर लेंगे, ठीक है। ये वन अल्फा बाई वन, मतलब कि ये इसका एक बढ़ता है तो ये इसमें दो डायरेक्शन बढ़ता है, ये और तीन गुना बढ़ता है, ठीक है। ये आपका रिलेशन याद रखना होगा कि वन बाई अल्फा या अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा इक्वल्स टू कितना होता है, वन रेशियो टू रेशियो थ्री, ठीक है। तो क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा आप लोग पढ़ लिए, ठीक है। ये तीनों में रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे टू कर लेंगे। अब लिक्विड में, ये तो सॉलिड का बात हो गया, लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में जो हीट फ्लो होता है वो लिक्विड में, तो लिक्विड का कोई अपना आकार नहीं होता है, द्रव का कोई अपना आकार नहीं होता है, तो वहां पे जब हीट का फ्लो होता है तो वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता है। क्या होता है, सिर्फ वॉल्यूम में वृद्धि होता है, क्योंकि उसका लंबाई चौड़ाई है नहीं तो आकार की बात है ही नहीं, तो उसमें सिर्फ वॉल्यूम में वृद्धि होता है। तो लिक्विड की उष्मा हीट देने पर उसका आयतन बढ़ता है, कभी भी किसी भी लिक्विड को जब आप गर्म करेंगे तो उसको हीट देने पर उसका आयतन बढ़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करता है, किसी लिक्विड को हीट देने पर उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। लेकिन एक्सेप्शन में एक वाटर है, जो आपसे ये यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इस बात को अच्छा समझ लें कि कोई भी द्रव को हीट देने पे उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन वाटर एक ऐसा चीज है जब इसको 0 से 4 डिग्री तक गर्म करेंगे तो उसका आयतन घटता है। ध्यान रखेंगे, किसी भी लिक्विड को हीट करने पे उसका द्रव उसका आयतन बढ़ता है, लेकिन पानी वाटर एक ऐसा चीज है जिसको 0 से 4 डिग्री तक हीट करने पर उसका आयतन घटता है। पहले घटता है 0 से 4 डिग्री तक, 4 डिग्री पर उसका आयतन सबसे न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है, और 4 से ऊपर जाने पर उसका भी आयतन बढ़ना शुरू कर देता है। तो कभी कभी आयतन आप पूछ के इसका डेंसिटी पूछ लेता है, घनत्व, तो आप क्या जानते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बटे, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम, मतलब घनत्व इक्वल्स टू द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो जैसे जैसे आयतन घटेगा तो ये घनत्व बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, क्योंकि दोनों में इन्वर्स रिलेशन, मैं बताया था ना, इस तरह से रहेगा नीचे रहेगा तो इन्वर्स रिलेशन। तो देखिए, तो जब 0 से 4 डिग्री पे आयतन घट रहा है तो घनत्व बढ़ेगा, और 4 डिग्री पे आयतन जब न्यूनतम है तो 4 डिग्री पे घनत्व क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब 0 से 4 डिग्री पे वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज करेगा, और 0 से 4 डिग्री पे अगर आयतन मिनिमम है तो उस समय वो डेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और 4 से ऊपर जब जाओगे आप तो वॉल्यूम क्या होगा, उसका बढ़ना शुरू होगा और आयतन घटना शुरू हो जाएगा। तो आपसे यह भी पूछता है कि वाटर का मैक्सिमम घनत्व कब होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर का मिनिमम आयतन कब होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। इन सारी बातों को आप समझ पाए होंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देखते रहें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल को, और जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चा को लाएंगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।